क्वालिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन विदाउट डिस्कशन के मुद्दे को लेकर SFI छात्र संगठन ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें पूरे देश में 4 से 16 तारीख तक छात्रों के समूह विभिन्न कॉलेजों में जाकर छात्रों को क्वालिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में जागरूक करेंगे। इसी कड़ी में छात्रों को एक समूह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सोलन के डिग्री कॉलेज में पहुंचा। समूह के सोलन कॉलेज पहुंचने पर SFI इकाई के छात्रों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सम्मेलन पूरे भारत में भ्रमण करके शिक्षा की गुणवत्ता एवं साइंटिफिक एजुकेशन के लिए संघर्ष को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में भेदभाव रहित गुणवत्ता एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को लागू करवाना है। प्रदेश सह सचिव होशियार सिंह ने कहा कि आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होते हैं। आज के समय में शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। शिक्षकों को नियुक्तियां अलग अलग नीतियों के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है। छात्रों को उनके हितों के बारे में जागरूक करने के लिए SFI द्वारा प्रदेश भर में अभियान चलाया गया है। आज ये जो हमारा जत्था यहाँ सोलन के अंदर पहुँचा है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो है इस जत्थे को चला रहे हैं, और इस जत्थे का हमारा जो मुख्य नारा है वो है क्वालिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और ये हमारा एक सवाल है, एक सवाल को लेकर हम लोग जो है छात्रों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये यही सवाल हमारा सरकार से भी है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा पा रहे हैं, या फिर जो शिक्षा है हमारी क्या वो वैज्ञानिक तौर तरीके से दी जा रही है, और उसके साथ साथ किस तरह का भेदभाव आज जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर छात्रों के साथ होता है, या फिर शिक्षा नीति किस तरह से जो है भेदभावपूर्ण हमारे देश के अंदर है।